सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार को शनिवार शाम 4 बजे विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। अदालत में इस मुद्दे पर बहस के दौरान कोर्ट ने देश में चल रही रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर चुटकी ली। येदियुरप्पा की ओर से पेश हुए सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत से कहा कि बहुमत साबित करने के लिए येदियुरप्पा को कम से कम सोमवार तक का वक्त मिलना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस ने अपने विधायकों को कर्नाटक के बाहर कहीं बंद कर रखा है, उन्हें भी वापस लौटना होगा, जिसके लिए ज्यादा वक्त चाहिए। लेकिन कोर्ट ने बीजेपी के वकील की दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने मजाकिया अंदाज में कहा कि जिन रिजॉर्ट्स में विधायकों को रखा गया है, वहां के मालिक तक ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। आपको बता दें कि खरीद फरोख्त की आशंका के चलते कांग्रेस और जेडीएस ने अपने विधायकों को हैदराबाद के एक लग्जरी रिजॉर्ट में रखा हुआ है। इसके पहले कांग्रेस ने अपने विधायकों को बैंगलोर के ईगल्टन रिजॉर्ट में रखा था, जबकि जेडीएस ने अपने एमएलएस को शंग्रीला होटल में रखा था। लेकिन येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री बनते ही इन दोनों जगहों से सुरक्षा हटवा ली गई, जिसके बाद दोनों पार्टियों ने अपने विधायकों को बस के जरिए सड़क के रास्ते हैदराबाद भेज दिया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।